एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोंग रेस्टोरेंट में ज़ियाओज़ी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। ज़ियाओज़ी के साथ मिज़ू और ज़िमिन भी होते हैं। वो डोंग से पूछती है कि क्या तुम सी के साथ हो। वो कहती है कि नहीं और उन्हें सब कुछ बताती है कि उसका और सी का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर सभी को शॉक लगता है। तभी ज़ियाओज़ी कहती है कि ज़रूर इसमें सी की मॉम और ज़ियाओज़ी के डैड का हाथ होगा। ज़ियाओज़ी डोंग से कहती है कि वो चिंता ना करे, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगी। फिर सी के फ्रेंड सोचते हैं कि ज़रूर सी की फैमिली में कुछ बड़ा ट्रबल हुआ होगा, इसीलिए उसने डोंग के साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर मिज़ू ज़ियाओज़ी से कहता है कि अब तुम भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो तो पता लगाओ आखिर क्या बात है। आगे ली डोंग से कहता है कि ये उसके म्यूज़िक की पहली कमाई थी और इसमें से अभी 1 पाउंड बचे हैं। फिर डोंग उसे कहती है कि उसे अपनी पहली कमाई को सेव करके रखना चाहिए और ऐसी जगह पर खर्च करना चाहिए जो उसे लाइफ टाइम याद रहे। डोंग की ये बात सुनकर ली उस 1 पाउंड से फ्लावर लेकर आता है और डोंग को दे देता है। डोंग उसे पूछती है कि उसने 1 पाउंड उस पर क्यों खर्च करा। तब ली कहता है कि उसके लिए डोंग से ज़्यादा कुछ भी स्पेशल नहीं है। उधर मिसेस डाउमिंग अपने बिजनेस में हुए लॉसेस से बहुत ही परेशान थी। वो चाहती थी कि ज़ियाओज़ी और सी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। फिर सी के पास ज़ियाओज़ी का कॉल आता है। पहले तो वो उसे बात करने के लिए मना कर देता है, लेकिन मिसेस योई के कहने पर वो ज़ियाओज़ी से बात करता है। वो उसे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि डोंग और तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। सी कहता है कि हाँ। फिर ज़ियाओज़ी कहती है कि वो जानती है कि इन सब में उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और वो अपने पेरेंट्स को संभाल लेगी। लेकिन सी उसे कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही है। ज़ियाओज़ी उसे ये भी कहती है कि डोंग तुमसे मिलने लंदन आई और तुमने इतना जल्दी उस पर गिव अप कर दिया, उसे जाने के लिए कह दिया। उसे कम से कम सॉरी और अपना रीज़न तो बताना चाहिए था। लेकिन सी ज़ियाओज़ी से ज़्यादा बात नहीं करता और उसे कहता है कि तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़ियाओज़ी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी तो कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। ज़ियाओज़ी से बात करने के बाद सी को रियलाइज़ होता है कि उसने डोंग के साथ कितना गलत करा। फिर वो मिसेस यू से कहकर ए ट्रेजर स्पाइसी नूडल्स खाने के लिए निकल जाता है। उधर डोंग संघाई जाने के लिए रेडी हो रही थी। ली उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो जाने के लिए, क्या तुम लास्ट टाइम सी से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि क्या पता वो संघाई कब वापस आए। ली ने डोंग से ये सब इसीलिए कहा था क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देख सकता था। लेकिन डोंग सी से मिलने के लिए मना कर देती है और वो उसे थैंक यू कहती है क्योंकि वो हमेशा डोंग के साइड खड़ा होता है। ली उसे कहता है कि उसकी फीलिंग्स डोंग के बहुत स्पेशल है और वो उसे अपना फ्रेंड और पेट मानता है। फिर वो डोंग को हग कर लेता है और तभी वहाँ पर सी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं वहाँ पर सी को देखते हैं। ली सी से कहता है कि मैं डोंग को संघाई वापस लेकर जा रहा हूँ क्योंकि तुम उसका लव डिजर्व ही नहीं करते। ये सुनकर सी ली को मारने लग जाता है, लेकिन फिर भी ली उसे बहुत सारी बातें सुनाता है कि क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करते हो और भी बहुत कुछ। लेकिन सी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहता है क्योंकि उसे पता था कि वो गलत है। फिर डोंग जैसे ही जाने के लिए कार में बैठती है, सी उसे रोक कर कहता है क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है। दरअसल सी उस प्रॉमिस की बात कर रहा था जब इन दोनों ने डिसाइड करा था कि वो एक साथ हॉट स्पून पर डिनर करेंगे। लेकिन डोंग सी को कोई भी जवाब नहीं देती और कार में बैठकर चली जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद डोंग कार रुकवा देती है और ली से कहती है कि मुझे मेरा लास्ट प्रॉमिस पूरा करना है और जाकर सी का हाथ पकड़ लेती है। उधर ली एक बार फिर अकेला हो जाता है, लेकिन वो सी और डोंग को एक साथ देखकर बहुत ही खुश था। फिर सी डोंग से कहता है कि आज हमारी ये लास्ट डेट है और इसीलिए अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। वो दोनों साथ में बहुत इंजॉय करते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं और ये बात भी भूल चुके थे कि ये उनकी लास्ट डेट है। फिर सी डोंग से पूछता है कि उसे यहाँ आए कितने दिन हो गए, क्या वो यहाँ पर गुम नहीं हुई। इस पर डोंग कहती है कि वो यहाँ वैकेशन पर नहीं आई थी। तभी वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट होने लगती है और ये दोनों साथ में स्नोफॉल को भी इंजॉय करते हैं। आगे डोंग सी से सॉरी कहती है क्योंकि जो ब्रेसलेट सी ने उसे दिया था वो लंदन आते ही चोरी हो गया था। ये बात डोंग के लिए बहुत मैटर करती थी, इसीलिए वो सी से ये भी कहती है कि वो मैट्योर नेकलेस रिटर्न कर देगी। सी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि जो भी कुछ मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हारा था, तुम वो फिर से रिटर्न नहीं कर सकती। फिर डोंग और सी मिस योई के चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर मिस योई डोंग को पहचान लेती है। तभी सी उनसे पूछता है कि आप डोंग को कैसे जानते हो। वो सी को बताती है कि डोंग पहले इस रेस्टोरेंट में आई थी। मिस योई समझ जाती है कि डोंग का बॉयफ्रेंड सी ही है जिसे वो ढूंढ रही थी। फिर वो सी को बताती है कि डोंग उस दिन बहुत थकी हुई और हेल्पलेस थी और उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार था। फिर सी उसे कहता है कि आज हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं और हॉट स्पून खाने आए हैं।
खाना खाते टाइम डोंग मिस योई को बताती है कि आज उसका लंदन में आखिरी दिन है, इसलिए मिसेस योई उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर सी डोंग से कहता है कि वो खाते हुए बहुत स्पेशल लगती है और वो दोनों अपना पास्ट याद करने लग जाते हैं। सी ये भी कहता है कि डोंग जब से उसकी लाइफ में आई है वो सबकी केयर करना सीख गया है और अभी भी करता है, लेकिन अब उसे ये पता नहीं है कि वो डोंग को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर डोंग उसे अपना बैड बॉय वाला एक्सप्रेशन देने को कहती है, सी उसके लिए वो भी करता है और तभी वो दोनों इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। आगे सी मिस योई को बुलाता है और उनसे कहता है कि आज लास्ट टाइम मुझे डोंग के हाथ का ए ट्रेजर स्पाइसी नूडल्स खाना है। फिर डोंग सी और मिस योई के लिए नूडल्स बनाकर लाती है। मिस योई को वो नूडल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर सी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अब अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स सेल करना बंद कर दो क्योंकि ये नाम सुनकर मुझे डोंग की याद आएगी। मिस योई भी सी और डोंग के अलग हो जाने पर बहुत दुखी होती हैं। फिर बाहर आकर सी डोंग को कैप पहनाता है क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी थी। डोंग सी से कहती है कि काश हम अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिता पाते। फिर सी कहता है कि हम नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर मिलेंगे और ऐसे ही साथ रहेंगे। सी और डोंग पूरी नाइट एक साथ होते हैं और मॉर्निंग हो जाती है। सी गाना गा रहा होता है, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन। डोंग कहती है कि अगर तुम ऐसे ही गाते रहोगे तो लंदन ब्रिज सच में गिर जाएगा। अब फाइनली वो टाइम आ ही गया था जब सी और डोंग को अलग होना था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और डोंग सी को पहले जाने के लिए कहती है, लेकिन सी उससे पहले जाने को कहता है। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने अपने रास्ते जाने लग जाते हैं। उन दोनों के लिए ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। सी डोंग का फिर से हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन उसे पता था कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद डोंग से नहीं रहा जाता और वो सी का नाम लेकर उसे बुलाती है और सी भी उसका आवाज़ सुनकर उसके पास आने के लिए भागने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी एक स्ट्रेंजर उन दोनों के पास से गुजरता है और सी को किसी इंस्ट्रूमेंट से टच करता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी डोंग को सी की बात याद आती है और वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि ली को किसी का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम लंदन से वापस आ गए। उधर हम सी और डोंग को देखते हैं जो एक आइलैंड पर बेहोश पड़े होते हैं। जैसे ही डोंग को होश आता है वो सी को उठाती है। तब उन दोनों को पता चलता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। इधर मिसेस डाउमिंग सी के गायब हो जाने से बहुत गुस्सा होती हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि सी किडनैप हो चुका है। तभी उन्हें ज़ियाउज़ी के डैड का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि ज़ियाउज़ी किडनैप हो चुकी है और ये बात सुनकर वो बहुत शॉक हो जाती है। वहाँ सी और डोंग उस आइलैंड पर अकेले थे और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर वो दोनों इधर उधर रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। तभी सी को एक बैग मिलता है और उस बैग के अंदर फिशिंग रोड, लाइटर, पानी की बॉटल्स मिलती है। उधर मिसेस डाउमिंग के फ़ोन पर एक फ़ोटो आती है जिसमें सी और ज़ियाउज़ी के मुंह और आंखों पर पट्टी लगी होती है और उन्हें किडनैप करा होता है। अब मिसेस डाउमिंग को पता चल गया था कि सी किडनैप हो चुका है। वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और मिसेस यू भी बहुत टेंशन में आ जाती है। डोंग और सी वहाँ आइलैंड पर अकेले होते हैं। तभी सी कहता है कि हमें मिसिंग हुए बहुत देर हो चुके हैं लेकिन मेरी मॉम हमें ढूंढ ही लेगी। तभी डोंग सी से कहती है कि मुझे किडनैपर को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने हमें किडनैप नहीं करा होता तो अभी तक हम दोनों अलग हो चुके होते। फिर सी और डोंग पहली बार साथ में सनसेट देखते हैं। नाइट के टाइम वो फायर जलाकर उसके पास बैठते हैं। तभी वहाँ किसी डरावनी चीज़ की आवाज़ आती है और डोंग डर के मारे सी से चिपक जाती है। फिर सी जंगल में चला जाता है जहाँ से वो आवाज़ आई थी। डोंग वहाँ अकेले बैठे बैठे बहुत डर रही होती है, इसीलिए वो भी सी के पीछे पीछे उसे ढूंढने चली जाती है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि सी ही होता है। सी उसे कहता है कि डरो मत, मैं आ गया हूँ और उसे हग कर लेता है। डोंग सी से कहती है कि अब मुझे छोड़कर मत जाना। सी भी कहता है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आगे वो दोनों फिर से वहीं जाकर बैठ जाते हैं। सी डोंग को सोने के लिए कहता है लेकिन डोंग ये कहकर मना कर देती है कि अगर कोई रात में उन पर अटैक कर देगा तो। लेकिन सी से बातें करते करते डोंग सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर सी और डोंग की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, लेकिन वो कौन होता है इसका हमें अभी पता नहीं चलता। उधर मिसेस डाउमिंग ने पुलिस वालों को परेशान कर रखा होता है क्योंकि अभी तक सी का कुछ भी पता नहीं था। फिर डोंग जब मॉर्निंग में उठती है तो वो देखती है कि सी पहले से उसके लिए स्क्विड पकड़कर लेकर आ रहा था। वो दोनों उसे पकाकर खाते हैं। तभी सी डोंग से कहता है कि वो हमेशा से उसे हर्ट करता आया है और ली उसकी साइड हमेशा खड़ा होता है। शायद मुझसे ज़्यादा ही ली तुम्हें खुश रख सकता है। ये सुनकर डोंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुमने कहा था तो मुझे लाइक करते हो और अब तुम किसी और के साथ मुझे पुश कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ खुश रह सकती हूँ।
फिर डोंग सी से गुस्सा हो जाती है। सी को रियलाइज होता है कि उसने डोंग को गलत कहा। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे अभी भी इस बात से बहुत रिग्रेट होता है, मैंने तुमसे लंदन में ब्रेकअप कर लिया था और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहाँ संघाई में डोंग के फ्रेंड्स उसके लिए बहुत चिंता कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक डोंग और F4 का कुछ भी पता नहीं होता। फिर सी और डोंग जंगल में रास्ता और उस किडनैपर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते डोंग को चोट भी लग जाती है, लेकिन चलने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें वहां पर लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई देती है। वो उस साइड जाते हैं और वहां पर ऑलरेडी F3 और ज़ियाओज़ी बैठे होते हैं, यानी कि ये सब उन लोगों की ही प्लानिंग होती है। सी और डोंग को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। ली चुपचाप टेंट के अंदर बैठा होता है जैसे कि उसने कुछ करा ही ना हो। फिर ज़ियाओज़ी सी को बताती है कि ये उसका प्लान था, उसने कैसे किडनैपिंग के फोटोज उसकी मॉम को भेजे थे। ज़ियाओज़ी सी की मॉम को एहसास दिलाना चाहती थी कि जैसे उन्होंने डोंग के फ्रेंड्स के फैमिली के साथ करा था, अब वैसा ही उनके साथ हो रहा है। फिर ज़ियाओज़ी सी और डोंग को सजेस्ट करती है कि उन्हें अभी इसी जगह शादी कर लेनी चाहिए। फिर सी डोंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं डोंग के साथ ही रहूंगा और अपना बिजनेस भी संभालूंगा। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उधर मिसेस डाउमिंग को पता चल जाता है कि सी की किडनैपिंग ज़ियाओज़ी के बॉडीगार्ड माइकल ने करवाई है और मिसेस डाउमिंग को भी ज़ियाओज़ी का प्लान पता चल जाता है। ये किडनैपिंग वाली बात पूरी मीडिया में फैल जाती है। तभी माइकल को किडनैपिंग करने के तौर पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इधर बीच पर नाइट में सभी लोग सो जाते हैं सिवाय सी और डोंग के। वो दोनों एक साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। डोंग सी से कहती है कि जब वो वापस जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। सी कहता है कि फिकर मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर डोंग सी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने डोंग के ऊपर अभी तक गिव अप नहीं करा था। सी डोंग से आई लव यू भी कहता है। उसी नाइट में सी को पकड़ने मिसेस डाउमिंग के लोग आ जाते हैं। आगे F4 और डोंग जैसे ही आते हैं वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी मीडिया जमा हो जाती है, लेकिन उनके साथ ज़ियाओज़ी नहीं होती। ली कहता है कि मैं सी के साथ रहता हूं और डोंग को मिजू और जिमिन के साथ जाने को कहते हैं, लेकिन सी कहता है कि मैं डोंग के साथ ही रहूंगा चाहे पूरी दुनिया ही हमें क्यों न देख ले। फिर ली मिजू और जिमिन को मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने को कहता है ताकि वो वहां से आसानी से निकल सके। सी और डोंग दोनों भीड़ में फंस जाते हैं। तभी सी का डोंग से हाथ छूट जाता है और वो पीछे रह जाती है। सी कैसे भी करके डोंग के पास जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पर इतनी भीड़ में एक आदमी आता है और सी को चाकू मार देता है और वो कहता है कि इसीलिए क्योंकि तुम डाउमिंग सी हो। सी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि सी इंजर्ड हुआ था और वो वाली बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी और डोंग के मॉम डैड को भी सी की बहुत फिक्र हो रही थी। सी को हॉस्पिटल लाया जाता है, वहां डोंग और F3 भी होते हैं। डोंग का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। तभी ली उसे संभालता है। डोंग ली से कहती है कि मैं बहुत लालची हो गई थी, इसीलिए हेवन हमें पनिशमेंट दे रहा है। फिर ली उसे समझाता है कि ये पनिशमेंट नहीं है बल्कि तुम्हारा टेस्ट है और हैप्पी रहने के लिए तुम्हें टेस्ट पास करना होगा। आगे हॉस्पिटल में पुलिस आती है और F3 को बताती है कि जिसने सी को गोली मारी थी वो अरेस्ट हो चुका है। वो डोंग ग्रुप का ही पहले इम्प्लॉय हुआ करता था। लॉस होने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था, इसीलिए उसने ये सब बदला लेने के लिए करा। उधर सी की सर्जरी खत्म हो जाती है। डॉक्टर बाहर आकर डोंग को बताते हैं कि सी अब सेफ है। हॉस्पिटल में ज़ियाओज़ी आती है। वो डोंग से सॉरी कहती है क्योंकि उसने ये प्लान बनाया था और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था, लेकिन डोंग कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस मुझे और सी को फिर से एक साथ करना चाहती थी। फिर मिसेस डाउमिंग और मिसेस यू सी से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। वो सी के पास आते हैं। वहां पर मिसेस डाउमिंग अपने असिस्टेंट से कहकर अपने लिए लंदन की फ्लाइट बुक करने को कहती है। यू उसे कहती है कि अभी लंदन जाना जरूरी है। तब मिसेस डाउमिंग कहती है कि सी अब सेफ है और अब आप इसका ध्यान रखना। बाहर आकर मिसेस डाउमिंग इस सबके लिए डोंग को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन ज़ियाओज़ी उसकी साइड लेती है और मिसेस डाउमिंग से कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होता अगर वो अपने इम्प्लॉय की प्रॉब्लम पहले ही देख लेती। लेकिन वो ज़ियाओज़ी को कुछ भी नहीं बोलती और डोंग से कहती है कि तुमने मुझे पहले कहा था आप मेरे वर्ल्ड में वेलकम नहीं हो और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम डाउमिंग फैमिली के वर्ल्ड में कभी वेलकम नहीं हो सकती, इसीलिए अब सी से दूर रहना। लेकिन डोंग उससे कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी जब तक सी को होश नहीं आ जाता और जब तक वो मुझसे जाने के लिए नहीं कहता। फिर सभी लोग सी का होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन सी को होश नहीं आता। फिर एक दिन फाइनली सी को होश आ जाता है। वो सबसे पूछता है
वो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तब मिजू उसे बताता है कि वो इंजर्ड हो गया था इसलिए वो हॉस्पिटल में है। लेकिन सी को कुछ भी याद नहीं था। वो सभी को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। लेकिन बाद में सी F3 के सभी मेंबर्स का नाम बता देता है और फिर ज़ियाउज़ी उसे कन्फर्म करने के लिए पूछती है, मैं कौन हूँ। तभी सी ज़ियाउज़ी को मंकी कह देता है। सी डोंग की तरफ देख कर कहता है, ये कौन है। तब F3 उसे बताते हैं कि ये डोंग है। लेकिन सी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सभी को शॉक लगता है कि आखिर सी डोंग को इतना प्यार करता है और वो उसे कैसे भूल गया। फिर डोंग उसे अपने पास्ट की बातें याद दिलाती है जिसे उसे सब कुछ याद आ जाए। जैसे तुमने मेरा फोन तोड़ दिया था, हमने तुम्हारी बैल्कनी में साथ में मेट्योर शॉवर देखा था और तुमने मुझे मेट्योर नेकलेस गिफ्ट करा था। लेकिन सी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इससे डोंग बहुत टेंस्ड हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे नहीं भूल सकते, तुम्हें मुझे याद करना ही होगा। अगर तुम मुझे भूल भी जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर वो चिल्लाकर कहती है कि मैं डोंग हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब सुनकर सी कहता है कि ये सच में तुमने कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम एक डॉग हो। यानी कि सी सबके सामने नाटक कर रहा था ताकि डोंग उसे लव कन्फेस कर सके। ली कहता है कि मैं जानता था कि तुम सबसे झूठ बोल रहे हो। फिर डोंग को सी पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे पंच मारने लगती है। लेकिन सी उसे रोक लेता है और सी ली को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उस टाइम सी को एक स्ट्रेंजर से बचा लिया था जो उस पर अटैक करने वाला था, नहीं तो सी की हालत अभी और भी ज्यादा खराब होती। फिर सी और डोंग अकेले होते हैं। सी को लग रहा था कि डोंग उसे अभी भी नाराज है उसके उस मजाक की वजह से। लेकिन डोंग तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कैसे उस टाइम सी को लगी थी और उसे कितने दिनों तक होश भी नहीं आया था। वो कहती है कि मेरी प्रेयर्स करने की वजह से तुम्हें होश आ गया और तुम ही मुझे भूल गए थे, इसीलिए मैं बहुत घबरा गई थी। सी डोंग से कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, हम दोनों तो वेलक्रो की तरह हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उधर बाहर F3 और ज़ियाउज़ी साथ में होते हैं। मिजू कहता है सी और डोंग को ट्रू लव के लिए कितने ऑब्स्टेकल्स का सामना करना होगा। जिमिन कहता है कि मैं अपने ट्रू लव के लिए नहीं करूंगा। लेकिन ली मिजू की बात से एग्री होता है और कहता है कि ट्रू लव ही ऑब्स्टेकल्स का सामना कर सकता है और उन्हें ही एंड में हैप्पीनेस मिलती है। फिर वो लव के बारे में सबको अपनी नॉलेज देने लग जाता है। फिर ज़ियाउज़ी उसे कहती है कि उसे अपनी लाइफ में ट्रू लव जल्दी ही मिल जाएगा। आगे डोंग बहुत दिनों के बाद अपने घर जाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड ऑलरेडी होते हैं। उन्हें भी सी की बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए वो उसे हॉस्पिटल मिलने जाने के लिए कहते हैं। लेकिन डोंग उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अब सब ठीक है। वो नहीं चाहती कि उसके डैड का सामना सी की मॉम से हो। डोंग के सो जाने के बाद उसके मॉम डैड बात करते हैं। उन्हें लगता है कि डोंग और सी का रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। उसकी मॉम डोंग को समझाना चाहती थी अब उसे सी को भी अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट डे डोंग जब कॉलेज जाती है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसे तरह तरह के सवाल भी पूछते हैं। डोंग जैसे तैसे उनसे बचकर कॉलेज के अंदर आती है। कॉलेज में सभी लोग डोंग से बहुत नाइसली ट्रीट करते हैं लेकिन किन अभी भी डोंग और सी के रिलेशन से जेलस फील होता है। उधर सी वोंग से वीडियो कॉल पर बात करके कहता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। वोंग उसे कंफर्म करने के लिए अपना नाम पूछती है। इस पर सी कहता है कि कोई इडियट ही होगा जो तुम्हारा नाम भूल जाएगा। फिर वो वोंग से ये भी कहता है कि किसी ने मुझे कहा था कि मेरे रिकवर करने की एबिलिटी बिल्कुल डॉग जैसी है। वोंग समझ जाती है कि ये बात जरूर डॉग ने ही उसे कहा होगा। फिर हॉस्पिटल में सी मिसेस यू से कहता है कि वो डिस्चार्ज होना चाहता है, अगर वो हॉस्पिटल में और रहा तो वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। वो ये भी कहता है कि वो ली के घर पर रहेगा क्योंकि वो अपनी मॉम को फेस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में सी ली के घर पर होता है। ली उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि सी को तो इस टाइम हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर वो ली को यही बात कहता है कि उसकी रिकवर होने की एबिलिटी डॉग की तरह है। बाद में सी ली से कहता है कि वो डोंग से शादी करना चाहता है। ली इस बात से बहुत खुश होता है लेकिन वो सी से कहता है कि डोंग कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से सी और उसके मॉम का रिलेशन खराब हो। इस पर सी कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट प्लान है जो उसने पहले ही सोच लिया है। ली उसे पूछता है कि आखिर उसका सीक्रेट प्लान क्या है, लेकिन सी कहता है कि एक सीक्रेट है और वो अभी नहीं बताता। आगे शॉप पर डोंग की बॉस उसे पूछती है कि आज ज़ियाउ काम पर क्यों नहीं आई। डोंग उसे बताती है कि वो टी क्लब गई है, वो शॉप के लिए न्यू प्रोडक्ट लाना चाहती है। ये सुनकर उसकी बॉस उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो ज़ियाउ और डोंग की बहुत तारीफ भी करती है। उधर हम ज़ियाउ को देखते हैं जिसने टी क्लब ज्वाइन कर लिया था और उस क्लब की मेम्बर ज़ियाउगैंग भी होती है। लेकिन ज़ियाउ उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने अपना नाम ज़ियाउगैंग से चेंज करके यिफेन रख लिया होता है। ज़ियाउ और ज़ियाउगैंग बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं।
और उन दोनों की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल बॉय की तरह ही होती है। वो दोनों पहले ही मुलाकात में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और साथ में पिक्स भी क्लिक करते हैं। आगे डोंग और ज़ियाओ साथ में होते हैं। वो दोनों सी के सही हो जाने की खुशी में एक पार्टी सेलिब्रेट करने का सोचते हैं, जिसमें डोंग ज़ियाओ को भी इनवाइट करती है। लेकिन वो डोंग से कहती है कि मैं वहाँ पर ज़िमिन को कैसे फेस करूँगी। इस पर डोंग उसे समझाती है कि वो ज़िमिन को बस एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करे। हम देखते हैं F4 और डोंग के सभी फ्रेंड्स सी के ठीक हो जाने की वजह से पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सिवाय डोंग और ज़ियाओ के। सी वहाँ पार्टी में जैसे ही ड्रिंक करने वाला होता है, डोंग और ज़ियाओ आ जाते हैं और डोंग उसे ड्रिंक करने से रोक लेती है, क्योंकि सी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए वो उसकी ड्रिंक पी लेती है। डोंग को ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर सी अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक्स कहता है, क्योंकि उन सभी ने सी के हार्ड टाइम में उसका बहुत साथ दिया था। पार्टी में ज़ियाओ सबसे थोड़ा दूर रहती है, क्योंकि वो ज़िमिन के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहती थी। ये बात ज़िमिन नोटिस कर लेता है और उसके पास आता है। वो उससे अपोलॉजी मांगता है और कहता है कि क्या हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। ज़ियाओ कहती है कि हम अभी भी अच्छे फ्रेंड्स हैं। डोंग को ज़ियाओ से ज़िमिन का बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी सी डोंग से कहता है कि वो उसके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है। इस पर डोंग भी एग्री हो जाती है और वो दोनों पार्टी से जाने लग जाते हैं। बाहर आकर सी डोंग को हक कर लेता है और वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उधर ज़िमिन ज़ियाओ से कहता है कि उसने उसके लिए इतनी सारी बिल्डिंग सर्च करी, इसीलिए वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता है। इस पर ज़ियाओ कहती है कि उसने वे ऑफ टी क्लब ज्वाइन करा है। वो चाहती है कि ज़िमिन भी उसके साथ वहाँ पर आए और ऐसे इंस्ट्रक्टर क्लास ले। नेक्स्ट डे ज़िमिन और ज़ियाओ क्लास में जाते हैं। वहाँ पर ज़िमिन की मुलाकात ज़ियाओ गैंग से होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ज़िमिन जब ज़ियाओ गैंग का नाम लेकर उसके पास जाता है और कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम बाद मिले, तभी ज़ियाओ को समझ आ जाता है कि ज़ियाओ गैंग ही ज़िमिन का पहला प्यार है। आगे जब ज़िमिन क्लास लेता है तो ज़ियाओ गैंग बिल्कुल अब्सेंट हो जाती है, क्योंकि उसके लिए भी इतना आसान नहीं था ज़िमिन को फेस करना, और वो क्लास से उठकर चली जाती है। बाहर आकर ज़ियाओ गैंग रोने लगती है, क्योंकि वो अभी भी ज़िमिन से प्यार करती थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद ज़िमिन और ज़ियाओ ज़ियाओ गैंग के पास जाते हैं। ज़ियाओ ज़ियाओ गैंग से कहती है कि मैंने ज़िमिन से तुम्हारे बारे में सुना था। फिर ज़िमिन ज़ियाओ गैंग को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। ज़ियाओ गैंग ज़ियाओ को भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन ज़ियाओ उनके बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो मना कर देती है। आगे ज़िमिन और ज़ियाओ गैंग साथ में होते हैं। पहले तो वो दोनों अपने पास्ट की बातें याद करते हैं। फिर ज़िमिन उससे सॉरी बोलता है, क्योंकि पहले ज़ियाओ गैंग के बुलाने पर वो रूफटॉप पर नहीं गया था। फिर वो ज़ियाओ गैंग से अपने रिश्ते के लिए और एक चांस मांगता है और उसके साथ एक बार फिर से रूफटॉप पर जाने को कहता है। इस पर ज़ियाओ गैंग भी एग्री हो जाती है। ज़ियाओ और डोंग अपने पार्ट टाइम जॉब पर होते हैं। ज़ियाओ बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और वो डोंग को बताती है कि उसने ज़िमिन के पहले प्यार को ढूंढने में हेल्प करी और अब वो दोनों एक हो गए हैं। ये सुनकर डोंग कहती है कि तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन वो उसे समझाती है कि उसे फ्यूचर में ज़िमिन से भी बेटर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन ज़ियाओ कहती है कि नहीं, ज़िमिन ही मेरे लिए परफेक्ट है। उधर मिसेस डाउमिंग मिसेस यू को कॉल करके सी के बारे में पूछती हैं। वो उनसे झूठ बोल देती है कि सी अभी भी हॉस्पिटल में है और रिकवर हो रहा है। आगे ज़ियाओ गैंग ज़ियाओ से मिलती है। वो ज़ियाओ को बताती है कि ज़िमिन ने उसे उसी रूफटॉप पर चलने को कहा है। ज़ियाओ कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो। फिर ज़ियाओ गैंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम ज़िमिन को लाइक करती हो। ज़ियाओ गैंग की ये बातें सुनकर ज़ियाओ को समझ आ जाता है कि ज़िमिन अब ज़ियाओ गैंग के साथ एक बार फिर से अपना रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, और इसी बात से ज़ियाओ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपना दुख डोंग से जाकर बताती है और उसे गले लगाकर रोने लग जाती है। आगे ज़ियाओ अपना दुख कम करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गाना गाती रहती है, क्योंकि उसे अपने घर पर भी नींद नहीं आ रही थी। डोंग को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सी को भी उसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है और वो दोनों ज़ियाओ का साथ देते हैं और रात भर उसका सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। वो रात भर ज़ियाओ को कंपनी देते हैं और एंड में ज़ियाओ थक कर वहीं पर सो जाती है। वो अभी भी ज़ियाओ गैंग और ज़िमिन के बारे में ही सोच रही होती है। इस पर सी उसे समझाता है कि उसे अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा है और जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। वहाँ ज़ियाओ गैंग और ज़िमिन टाइम से पहले ही उस बिल्डिंग के नीचे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही रात भर नींद नहीं आई होती है। फिर वो दोनों रूफटॉप पर जाने के लिए स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू करते हैं। ज़ियाओ गैंग स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते थक जाती है। तभी ज़िमिन उसे कहता है कि तुम बचपन से ही वीक थी, लेकिन फिर भी दौड़ती कूदती रहती थी। ज़ियाओ गैंग कहती है कि उसे पता था कि ज़िमिन उसके साथ है और उसका ध्यान रखेगा। उन दोनों की बातें खत्म होती है। वो फिर से स्टेयर्स चढ़ना शुरू करते हैं। मॉर्निंग में ज़ियाओ सी और डोंग को थैंक यू कहती है, क्योंकि वो रात भर उसके साथ थे।
वो तीनों अपने घर जाने ही वाले होते हैं। तभी ज़ियाओ के पास ज़ियाओ गैंग का कॉल आता है। वो उसे रूफटॉप पर बुलाती है। ज़ियाओ भी आने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ज़ियाओ गैंग ज़िमिन के साथ है तो फिर वो उसे क्यों बुला रही है। ज़ियाओ जब रूफटॉप पर पहुँचती है तो वो देखती है कि ज़िमिन वहाँ अकेला होता है, ज़ियाओ गैंग नहीं होती। ज़िमिन उसे बताता है कि अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ज़िमिन और ज़ियाओ गैंग ने वो नज़ारा मिस कर दिया था। फिर ज़ियाओ गैंग उसे कहती है, ये एक साइन है, जब से हम मिले हैं हम अपने पास्ट की बातें ही कर रहे हैं। फिर ज़िमिन उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो 5 साल पहले इस जगह पर नहीं आया था और उसने ज़ियाओ गैंग के साथ वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट मिस कर दिया था। फिर ज़ियाओ गैंग उसे कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और तुम्हारा वंस इन अ लाइफ टाइम किसी और लड़की के साथ बिलोंग करता है। ज़िमिन कहता है कि 5 साल पहले वो अपनी फीलिंग्स भी उसे बता नहीं पाया। ज़ियाओ गैंग कहती है कि वो भी उसे बहुत लाइक करती थी लेकिन अब नहीं करती, और ज़िमिन भी आज यहाँ इसीलिए आया क्योंकि वो गिल्ट में था, ना कि वो ज़ियाओ गैंग से प्यार करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।